हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पे। आज हम देखेंगे कि हमारे जो वॉशिंग मशीन में पानी इनलेट से पानी नहीं आता है प्रोग्राम सेट करने के बाद, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि पानी जैसे फुल प्रोग्राम सेट करने के बाद जो पानी होता है पानी ले नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। ये काफ़ी टाइम छोड़ने के बाद भी ये पानी नहीं ले रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्पिन प्रोग्राम ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, और जबकि वॉश प्रोग्राम जो है वो ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पानी नहीं ले रहा है तो वॉश नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हम खोलते हैं। जिसमें जो ये वाटर इनलेट बल्ब होता है वो बल्ब ख़राब हो चुका है, तो हम बल्ब खोलते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये बल्ब हमने खोल लिया है। ठीक है, ये जो येल्लो कलर का है ये हमने मशीन से खोला है, तो इसको चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी पे डालेंगे तो कंटिन्यूटी पे शो नहीं करेगा। ठीक है, तो बीप साउंड जो आता है वो बीप साउंड नहीं आएगा, तो इसके लिए इसको ओम पे रखेंगे, 20 ओम जो है उस पे रखेंगे और चेक करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि इस पे 0 दिखा रहा है, ओम पे रखने के बाद भी 0 दिखा रहा है। और ये नए वाले को हम जब चेक करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ ये जो रजिस्टेंस है कुछ ना कुछ शो करेगा, मतलब कि ये हमारा जो अभी नया वाला मोटर लेके आए हैं वो हमारा रजिस्टेंस शो कर रहा है, मतलब ये नया वाला ओके है, और पुराना वाला जो है इसमें रजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है नए वाले मोटर को फिट करने के लिए। ठीक है, इसका जो प्लेट है पुराने वाले में बल्ब में जो प्लेट है उस प्लेट को हमको निकालना पड़ेगा और नए वाले में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लेट हमने निकाल लिया है और नए वाले जो मोटर है उसमें ये जो नए वाले बल्ब है उसमें हम इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, तो ये जब तक नहीं लगाएंगे तो बॉडी में वहाँ पे वॉशिंग मशीन में फिक्स नहीं कर सकते, तो ये जो प्लेट है हम इसमें अच्छी तरीके से लगा लेंगे, उसके बाद हम मोटर में वॉशिंग मशीन में लगाते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। इस प्लेट को अच्छी तरीके से मोटर में फिक्स कर लेना है। ठीक है, और इस प्लेट में लगाने के बाद हम वॉशिंग मशीन का जो इनलेट और आउटलेट का जो पाइप है वो इस बल्ब में लगा के देखेंगे कि ये बल्ब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेट करेंगे। ये हमारा 220 वोल्ट का होता है, तो ये हमने ऊपर का पैनल खोल लिया है वॉशिंग मशीन का। ये मोटर में हमें सबसे पहले वायर लगा लेंगे जो कि जिसमें 220 वोल्ट आ रहा होता है। ठीक है, तो इस बल्ब में हम ये दो वायर लगा करके और ये जो आउटपुट जो वॉशिंग मशीन में पानी जाता है, ठीक है, तो वो पाइप को कनेक्ट कर लेंगे। इस पाइप को कनेक्ट करने के बाद हमें इसको इसी तरीके से अभी फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, स्क्रू पे इसको लगा करके और इनलेट का जो पाइप है उसको लगा करके देखते हैं ये पानी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, इनलेट पाइप को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि पानी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोर्ड में लगा दिए हैं इसका पावर प्लग और ये ऑन करते हैं। ऑन करते ही देखेंगे कि पानी ये लेना शुरू हो गया। ठीक है, इसमें प्रोग्राम पहले से ही सेट था, तो जैसे ही ऑन किए हैं यहाँ पे पानी लेना शुरू हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी ये ले रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो ये हमारा बल्ब ओके है, तो इस बल्ब को हम अच्छी तरीके से फिट कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम पीछे स्क्रू लगा देंगे और वो देखेंगे चालू हो जाएगा। ये बल्ब काम कर रहा है अच्छे तरीके से, तो ठीक है, तो इसका पैनल खोल करके हम और इस बल्ब को फिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले इस मशीन को ऑफ करके हम पैनल खोल लेते हैं। आप पैनल खोलने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे पीछे साइड में मतलब दो स्क्रू लगाने के लिए ये जो प्लेट हम लगाए थे दूसरे मोटर से, तो उस प्लेट को बॉडी में लगाने के लिए दो स्क्रू को फिक्स करना रहता है, तो इसको हम अच्छी तरीके से पहले फिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम मशीन को चालू कर देंगे। यहाँ से दोनों स्क्रू को लगा देंगे अच्छी तरीके से, इस तरीके से पकड़ के। ठीक है, उसके बाद हम मशीन को चालू कर देंगे।
वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.